मैं मेम साहब। अरे मेम बोले तो मैं, साहब बोले तो बहुत है। खुशबू आ रही है यार। अरे यार, अरे दो चार बार तू यहाँ आएगा ना तभी तेरा हेजिटेशन खत्म होगा। क्या मतलब? बस बस रोक यहाँ, बस बस। अरे प्लीज यार सनी, तू क्या कर रहा है? चल आ जा उधर। मैं तेरी बात से कन्विंस हूँ, वापस चलते ना। अबे उतर ना यार, क्यों डर रहा है? मैं हूँ ना सलाम साहब, आज रात यहीं रुकना है। क्या देख रहा है? अबे तू पागल तो नहीं है? अबे पागल तो तू हो गया है, तू अभी समझेगा। चल चल, स्टार बनना है ना तुझे। अबे साइड हट, जब तक तू ये सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा ना स्टार नहीं बन सकता। ए ललन, ये पकड़, एक रम का क्वार्टर लाना रे। कितना पिए गिरी, मरना है क्या? अरे मरने दो ना आंटी, यहाँ जीना ही कौन चाहता है। सुबह अगर डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलेगी ना तब देखना क्या करती मैं। जा लाकर दे इसे। ला दे, ला दे। ले। मेरा क्या है? जाना। हाय हाय, देख क्यों देख रहा, क्या जन्नत है। ले बत्ती ले, रिलैक्स रहेगा। क्या रे चिकने, मेरे पास आता क्या? ओ, तेरे को चिकना बोला रे, क्या रिस्पांस मिला है। कैसी हो मौसी? अरे कैसी दिखती हूँ, एकदम मस्त। नमस्ते आंटी जी। एक बात बता फिल्मी चक्कर, तू तो अपनी सोनिया के लिए मंगलसूत्र लाने वाला था ना? लाऊंगा मौसी, जरूर लाऊंगा। आपको तो पता ही है स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, जरा दो चार फिल्में मिल जाए बस, कुछ पैसे हो जाए, बट फिर एक कोठी लूंगा और ले जाऊंगा सोनिया को। कोठी में कोठी वालियों का क्या काम? ऐसे क्या देख रहा है? घबरा मत, मैं तो मजाक कर रही थी। हटना रे। अरे बैठ ना, चल। कैसा है तू? कैसी है मेरी जान? शर्म आ रही है। इसके भी हैं। मैं क्या करूंगा यार, पानी में कूदेगा खुद ब खुद तैरना सीख जाएगा, समझा? अरे बैठ बैठ, आजा सोनिया, मैं तुझे तैरना सिखाती हूँ। ए लड़कियों, तंग मत करो इसे। तुम एक काम करो, तुम आज मेरे साथ चलो। अरे घबरा मत, मजाक कर रही थी। ओ मौसी, मेरे पास भी इधर है एक तेरी जैसी लंबी चिकनी, बैठेगा तो खुश हो जाएगा। आजा मेम साहब, आंटी ने भेजा है। अम्मा को बोल अभी और नहीं, बस
सुन हाँ एक चाय भेज कड़क इसको पूछ नो थैंक्स दहा रुपया है साला चाय गले किधर उतरेगी कोलगेट करना पड़ेगा मेरे को ये बात नहीं चलती समझा जी मैंने शराब नहीं पी है आ बैठ जल्दी में साला सबको इधर से जाने की जल्दी रहती है फिर आने का ही नहीं ना हाँ जी ए ये धुआं भी अपने को चलता नहीं है पर वांदा नहीं है तू पी ले बड़ा सीधा है रे तू बाकी हरामी लोग तो ना साथ गाली नहीं प्लीज ओके अच्छा नहीं है ना नहीं जानती है मैं पन क्या करेगा इधर यही भाषा समझता है साला एक दो मस्त गाली खींच के दिया ना तो ग्राहक लोग क्या सोचता है कि इसके मुंह लगने का नहीं जाने दो ऐसा ही पीछा छुड़ाना पड़ता है और चिपक गया तो धंधे की वाट तेरे लिए चला एक मिनट काय को चार चाय बेचता है बेचता है साहब अभी फ्री होता है तो बेचता है क्या पिज़्ज़ा आया है कैसा चल रहा है बाबा अरे चल जा तू चाय पे चल रे मेम साहब चाय चाय अरे बाद में आ क्या बाद में मेम साहब अरे तू टाइम खोटी मत कर रे अब बैठ तो ऐसे घबर रहा है जैसे शादी हुआ तेरा पहली बार है हाँ एक बोलूं मत कर अच्छा नहीं है किधर रहता है माडा फोर बंगलोस काम क्या करता है घूमने को आया नहीं अरे फिर हीरो बनने आया हूँ हाय लव तू हीरो बनने आया है तू हीरो किधर से दिखता है रे चिकना है बन भी सकता है बाकी बोल नहीं सकते बैठ 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 आ तूने एक बात बता जी तू सीखा ये सब रोना धोना एक्टिंग बिक्टिंग आता तेरे को सीख रहा हूँ अरे क्या सीख रहा है हाँ अभी बंद कमरे में इधर हाथ रखा था तो पत्ते की माफिक कांप रहा था ना तू फिर उधर पब्लिक के सामने क्या होएगा हीरोइन के साथ क्या करेगा तू आजकल तो सब खुल्लम खुल्ला चालू है बिंदास देखी मैं वो मर्डर उधर तो तेरी हवा निकल जाएगी हीरो इसीलिए तो यहाँ आया अंजू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मैं एड़ा है क्या मैं तेरी क्या मदद करेगी मैं तेरे को डायरेक्टर दिखती है क्या कोई अंजू मेरा ये डर ये झिझक खत्म कर दो प्लीज कैसे कैसे भी प्लीज मेम साहब बाहर इसका दोस्त बुला रहा है
मैं कल फिर आऊंगा। बाय। तेरी नींद पूरी हो गई ना, अब इसे सोने दे। ये अगर दिन में सोएगी तो रात को जागेगी, और अगर रात को जागी तो तेरा पेट भरेगा। कर दिया करो, मैं भी तुम्हारी बेटी जैसे ही हूँ। जा, जाकर सो जा गाड़ी के टायर के नीचे, हो जाएगी तुम्हारी मालिश हमेशा के लिए। अरे मेरे तेरी मेम साहब, मेरे तो ऐश करने के दिन है। नाश्ता की? समोसे अच्छे थे ना, खास मैं तेरे वास्ते मंगाई थी उस भैया के होटल से। ले। रख दो अम्मा, बाद में पिएगी। बाद में काय को? हाँ, मोरी में डालने के वास्ते। अब बीच पी, नहीं तो नाक पकड़ेगी मैं तेरी। अच्छा लाओ लाओ, मैं पी लेती हूँ। चल पाँव दे। जब तू छोटी थी ना, ऐसे ही करती थी, नहीं पिएगी नहीं पिएगी, और मैं तेरी नाक पकड़ती थी और मुंह में दूध डालती थी। पर अब तू बड़ी हो गई है ना, मेरे से भी लंबी। अरे मेरे से क्या, यहाँ सबसे लंबी है तू, और सबसे सुंदर भी। अरे सुंदर काय को नहीं रहेगी, आखिर मेरी बेटी है ना तू। कौन हूं मैं अम्मा? फिर वही सवाल, फिर वही यादें अम्मा। कितनी बार तेरे को समझाई मैं, तू जब 7-1 साल की थी एक बेवड़ा तेरे को इधर छोड़कर गया था, अब किधर ढूंढेगी मैं उसको? पता नहीं जिंदा है कि मर गया। कहां से लाया था वो मुझे अम्मा? क्या हो रहा था मेरी जिंदगी में, और ये कौन सी यादें हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जीने नहीं देती मुझे चैन से? जीना पड़ेगा बेटी, बीते हुए कल के लिए नहीं, आने वाले कल के वास्ते। क्या है मेरा आने वाला कल? खुशियां आएंगी तेरे जीवन में, इधर इधर खुशियां आएंगी। आएंगी बेटी आएंगी, मैं तेरे को विदा करेगी इधर से। अम्मा, अरे पैदा नहीं की तो क्या हुआ, पाली है मैं तेरे को अपने इस सीने से लगा कर। देखना बेटी, एक दिन कोई ना कोई अपना आएगा तेरे को इधर से ही। यहां अपनापन दिखाना बहुत आसान है, पर अपना ना बहुत मुश्किल। बाकी बोल नहीं सकते।
बस क्या यार, तू अपने फंटे लोगों को तकलीफ दे रहा है। उस्मान बहुत डर गया है, तू दम दिया था ना उसको वार करने का, इसके लिए देख। देख यार मैं खुद चल के आया हूँ इधर, मालूम है गलती हुआ है, हाथ भी जोड़ेगा तेरे से, चल खत्म करना यार इसको। अरे मैंने भी एक बार तेरे आदि को छोड़ा था डोंगरी पे, छोड़ था तेरे को। उस्मान को छोड़ देना। साला मेम साहब को गाली दिया, हाँ अपुन की मेम साहब को बोला तूने, तू जो मोहिलो। ये दिखाएगा ना मौसी तो अच्छे अच्छों की। नंदू इसको जरा दूर रख। ए मौसी तेरी भी। नंदू साला तू देखो ममता भाई नीचे तेरा आदमी मेरे धंधे का वाट लगा रहा है। ए निकल तेरी माता। नंदू तुम माला। अरे सुन नंदू इसमें क्या है? हाथ नहीं लावा चा मौसी। काय को रे? अरे अपुन के आइटम के लिए है। अपुन की मेम साहब। ए मौसी एक गेम बच जाने दे मेरा, बस देखना लेके जाएगा अपनी मेम साहब को इधर से। नंदू भाई दीघे ने बोल दिया तो समझ जाने का बस। ले जा मेरी बेटी को यहाँ से। नंदू क्या जबराट दिख रहे ले बाबा। पन एक बात बोलो, अपन की मेम साहब के सामने ना तू भी। अरे मेम साहब। हाय चिकू। गुड मॉर्निंग मेम साहब। गुड मॉर्निंग। ए क्या हुआ तेरे को? हाँ अपन तो सोचा साला आएगा तो तू मेरे को गाली देगी, बोलेगी हरामी कुत्ता किधर मर गया था तू, पन तू तो एकदम नॉर्मल है। देख देख क्या लाया अपन तेरे लिए, पिज्जा वो भी डोमिनोज का, खाएगी ना तो मस्त हो जाएगी। ए छोड़ना उसको। समझी गए हो बापू, समझी गए हो। अपन के बीच में कोई और फिट हो रहा है। नंदू ए आए क्या? हाँ है, बोल क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा ओहिला, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बोलती है? साला चटका डालेगा उसको इधर ही। देख तू मेरा भेजा मत खराब कर। नंदू भाई दीघे ने बोल दिया तो समझ जाने का। देख तू सिर्फ अपन की मेम है और अपने ही तेरा साहब है, और ये मेम साहब नाम भी ना अपन ने ही तेरे को दिया है। अरे चल बड़ा आया मेम साहब वाला, मेरे यहाँ कितने साहब बदलते हैं कोई गिनती है क्या? ए ताना दे रही तू मेरे को, ताना दे रही है। बोला ना एक गेम हो जाने दे मेरा, फिर बस तेरे को लेके जाएगा इधर से। रहने दे बहुत सुन चुकी तेरी, लेके जाएगा। साला कितने सालों से यही सुन रही है, लेके जाएगा लेके जाएगा, तू क्या लेके जाएगा? मालूम किधर? दिल्ली। सच्ची रे? अरे अपन का दोस्त है ना दिल्ली में, उधर ही शादी विधि करके सूम में सेट हो जाने का शराफत अली की लाइफ में। सुन तू निकल इस गटर से और अपन भी आ बैठ। अब बोल कैसी है तू? ठीक है। अरे ठीक है तो थोड़ा बत्तीसी तो दिखा। आ? आ? ऐसा। अच्छा बोल क्या मंगाऊं तेरे लिए, विस्की या बियर? अभी बोलेगा तो हंसेगी तू। बोल। दारू छोड़ दिया? झूठ बोलता है। अरे आई शपथ। चल झूठ बोलता है। अरे तेरे को उसका बास नहीं जमता था ना इसलिए छोड़ दिया। देख देख ये नया चालू किया हुँ? इसका बास मस्त है। Ha 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 ha
एक बात बोलूं, बहुत भारी दिख रही है आज तू, एकदम मस्त। बाबा प्रणाम। खुश रहे। कैसा है तू? ठीक है बाबा। आ जाना, तेरे लिए काम है। बेवफा होंठों की लाली है, अभी अभी लगी है, बस निकलने वाली है। नमस्ते। कौन? चला जा। तुम जैसे मर्द को तो पैसे मुझे देने चाहिए। रख लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और दिन दिन रात तुम्हारी याद में, सॉरी, दिन रात तुम्हारी दिन रात तुम्हारी याद मेरे तुम और क्या कर रहा है ऐसा बोलेगा? अरे बरोबर पकड़ना। कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा है कि मेरे को बुरा लग रहा है? आइला, अभी मेरे को तेरा प्रॉब्लम समझा। देख, तू इधर अपने लिए आया है, मेरे को खुश करने को नहीं आया। तू अपने बारे में सोच, मेरे को क्या लगता है, कैसा लगता है, वो सब जाने दे। तू अपनी एक्टिंग कर, सामने वाला अपनी एक्टिंग करेगा, समझा? अभी बिंदास बोल, तेरा हाथ मुख किधर लगता है वो सब छोड़ दे, मैं संभाल लेगी। ओके। चल। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिन रात मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम रहती हो, सोते जागते हर वक्त सिर्फ तुम। तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं है। अरे तो क्या हुआ अगर मैं ऊंचे घराने की हैसियत रखता हूँ? मेरी नज़रों में दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी लड़की तुम हो। मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, नहीं जी पाऊँगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना।
तू तो बिल्कुल सच्ची का बोल रहा है रे। मतलब मैंने कर दिया। कुछ डर लगा तेरे को? नहीं, बस हो गया। यस, कर दिया। अरे इसको क्या हो गया? कौन है अंदर? यार सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम कितनी अच्छी हो। ए, नाटक नहीं है, तेरा काम हो गया ना, अभी चल। वो बात नहीं है जो, मेरा मतलब अगर तुम चाहो तो यहाँ से बाहर दुनिया और भी है। तू तेरे बारे में सोच, सामने वाले के बारे में सोचने का नहीं। याद रखना मैंने क्या कहा, बाहर दुनिया और भी है। अंधेरी चार बंगला। बैठो साहब। किसी के दबाव में आकर इस्तीफा क्यों दे दूं? अरे जिंदगी और मौत तो
ऊपर वाले के हाथों में है। नमस्कार चटर्जी साहब। नमस्कार। तुम्हें चटर्जी साहब है ना? हाँ भाई, कहो क्या बात है? एक मिनट। शाबाश नंदू। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राधे श्याम राधे श्याम। आशा जीजा जी। बाय लागू जीजा जी। खुश रहे। ग्रहों के अनुसार आज किसी की मृत्यु का समाचार आ सकता है जीजा जी। यू आया है क्या? चुप। पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं जीजाजी। इस मृत्यु से आपको लाभ होगा। पार्टी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपका बोलबाला होगा जीजाजी। अगर तू इनका भाई नहीं होता ना तो मैं तेरी यूं की तो सीधे कर लेता। नवी मुंबई के मेयर मोबाइल दिखाइए। को लोखंडवाला के पास दिन दहाड़े गोली मार दी जिसके कारण उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। श्री चटर्जी की छवि बड़ी ही साफ थी। उनके अकस्मात निधन पर पार्टी में गहरे शोक की लहर दौड़ रही है। इस हत्या के पीछे क्या मकसद है और किसका हाथ है इसके बारे में कुछ भी कहने से मेरे ग्रहों का योग कभी गलत नहीं होता। श्री चटर्जी महापौर की कुर्सी तुम्हें मुबारक हो चंद्रकांत। बाय। खुश रहो। जय हो। सब आपका आशीर्वाद है बाबा। राजनीति तो कोई आपसे सीखे बाबा। राजनीति सिखाई नहीं जाती, की जाती है। जिसने किसी को राजनीति सिखा दी समझो उसका राज खत्म। बोल मादर जाल, किसने मारा चटर्जी को? मार साले को। चटर्जी को किसने मारा? मैं मारा साहब। चटर्जी झूठ बोलता है साला, दे और नहीं। मैं मारा। मैं मारा साहब। हो साहब। नहीं साहब, बोलेंगे साहब। लेकिन साहब मैं मारा। जाओ दे रेला। ए कशाला जाओ दे। मा इल्ला साहिबांच्या फरमान आहे रे। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। क्या हो गया रे तेरे को नंदू? डर तो आ तू। क्या हो गया तेरे को? मर गया नंदू। क्या बक रहा है? तेरी कसम। गेम बजा दिया अपन ने। हाँ? बजा दिया गेम। क्या बात कर रहा है? अभी जाने का है क्या? किधर किधर किधर? किधर? दिल्ली। तेरे नाम हमने किया है। हेलो। हाँ भाई, राधे बोल रहा हूँ। साहब लोग बाजू में आए क्या? सर माना बोल। अरे कोई नहीं भाई, साहब लोग ने छोड़ दिया मेरे को। ए तू कुछ उल्टी तो नहीं कहना रे? बस क्या भाई। सुन, मैं जा रहा विशंबर के पास, रात में मिलता है तेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। We'll be right back.
इश्क के रोगन घर गया रे भर गया रे मुझे इश्क की रोगन कर गया रे नस नस में प्यार वो भर गया रे आंखें मेरी प्यार के नशे में है नशीलियां आंखें मेरी प्यार के नशे में है नशीलियां दिल में वो जब से उतर गया रे पिया भर देसिया रे पिया भर देसिया पिया भर देसिया रे पिया भर देसिया पिया रुपए है तुम तो मुझे बताओगे नहीं क्या लेकिन मैं तुम्हें बताए देता हूं लंबी यात्रा का योग है तुम्हारा यू कॉफी कॉफी पिएगा जीजा जी के पास जाना है यू भगवान अपन को इस कचर पट्टी से निकाल दे पल 75 है
जी। और इसी जगह प्रिंट आउट लेके चैम्बर में आ जाओ। ओके ओके सर। डॉक्टर पेशेंट सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अल समय रवि भक्ष लियो तब ती न हो लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बाली की त्रास कपि से बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए। अम्मा अम्मा तुम्हें होश आ गया अम्मा? ये चाबी निकाल। ये चाबी ले, घर में वो बक्सा है ना उसके अंदर पैसे हैं, इधर देने होंगे ना, वो मैं जमा कर दी अम्मा, जमा कर दिए। हाँ पगली, बुढ़ापे में जब कोई अस्पताल जाता है तो उसके घर वाले ही उसकी तिजोरी तोड़ देते हैं, ये सोचकर जाने वाला वापस लौटे या ना लौटे। नहीं अम्मा, मुझे कुछ हो गया तो? नहीं अम्मा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? तुम ठीक हो जाओ, तुम घर चलो, फिर मुझे विदा नहीं करना है क्या? तुझे विदा भी करना है और तेरे बाल बच्चे भी देखने, लेकिन बेटे तू जाकर वो बक्सा संभाल ले, उसमें तेरी कुछ अमानत भी है। अमानत? हाँ बेटी जा। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अरे पकली, मैं अकेली कहाँ हूँ, तेरा ये नंदू है ना? हाँ। मेरे पास नंदू, समझा दे इसे। तू जा, मैं है ना इधर। ध्यान रख, जल्दी आना। ए मौसी, ये देख अपन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया ना तेरे लिए, तू ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगी। अरे मैं बोलता है ना, तू ठीक हो जाएगी। और वैसे भी नंदू भाई दीगे ने बोल दिया तो समझ जाने का ना। हाँ हाँ Thank you.
काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल घबराने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन इधर की मालकिन मैं, तुम सब की अम्मा। मेरे से पूछे बिना कोई किधर जाने का नहीं, और अगर गई तो समझ लेना। एम एम साहब, किधर? चल अंदर, अंदर चल। सत्या, मुझे माफ कर दो। तू यहाँ से जा रही है? अच्छा नहीं लग रहा, पर जो यहाँ से चला गया अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू समझ गया ना? अरे श्याने, अंधा है क्या? कौन बोला रे? राधे भाई। तेरे को मालूम नहीं राधे भाई ने कितना बड़ा गेम बजाया लोखंडवाला में? बस तू गया, तू गया। अरे फंडर निकाल, निकाल। चाल। नेक्स्ट टाइम सल्लू की गाड़ी के आगे आया तो रास्ता छोड़ देना, नहीं तो पूरी की पूरी अंदर डाल दूंगा। मेरे को मालूम है चटर्जी का गेम तूने नहीं, तेरे बाप ने बजाया है। नंदू, नंदू भाई दीघे। राधे भाई, ए क्या है? चल चल चल, दे दे मुन्ना इसको, दे दे। आज भाई बहुत खुश है, इसको दे दे। चल दे दे यार, ये ले। चल निकल निकल। सब करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। मैंने क्या किया सर? चल चल बैठ अंदर, चल चल जल्दी बैठ। साहब, साहब, मैंने मैंने कुछ कुछ भी नहीं किया साहब। तू जा या नंदू को दे।
बिरयानी खिलाता। जब देखो तब खाना खाना। अरे चलना, वैसे भी गाड़ी रात की है। पहले साड़ी खिला। अरे मुंबई की आखिरी बिरयानी है रे। ठीक है चल। मिल ले। मैम साहब, अभी अपन को माफ कर देना तू। नहीं साहब, आज अपन को कोई नहीं रोक सकता साहब। अपन को जाने का इसके साथ। अभी बोलो ना ये डिंग डोंग सब बंद। आज शपथ साहब, चले दो अपन को। ये सुपारी तुझे किसने दी? अभी अपने को ये लफड़े में मत डालो साहब। अपन इसके साथ दिल्ली जा रहा, पूछो ना। ए बोलना। हाँ साहब, ये सच बोलता है। हम चटर्जी का काम किसने दिया तेरे को? ये नहीं बोलेगा साहब। नहीं साहब, नहीं। किसने दिया बताता है साहब? पन अपन सरकारी गवाह नहीं बनेगा। अपन को निकलने का इधर से। ठीक है बोल। देखो साहब, हमको जाने का है साहब। जल्दी बोल। साहब काशी बाबा। सॉरी, एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे ये लड़की चाहिए, जाओ उससे बात करो। यस सर। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम श्रीवास्तव है, कृष्णमोहन श्रीवास्तव। बारिश में इस तरह भीगी हुई लड़की का सड़क पर बैठे रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप चाहें तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं, ये मेरे गाड़ी में बैठे हुए साहब ने कहा है। कपड़े उतारो।
अरे अरे ये क्या कर रही हो? मेरा मतलब है अंदर बाथरूम है, वहां कपड़े हैं, पहन लो जाओ। यहीं पे कपड़े उतार रही है। निशा लाल मुझ पर एटीट्यूड थोपती है। मैंने अपनी फिल्म में उसको इतना बड़ा ब्रेक दिया और मेरे लिए डेट्स नहीं है। उसे डेट्स मांगने के लिए मुझे उसके सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती है। नॉट अलाउड, एटलीस्ट विद राहुल इज नॉट अलाउड। डैम इट, इज नॉट अलाउड। निशा, यू आर फायर्ड। Amazing, beautiful, gorgeous. अब मैं निशा को बताऊंगा कि मैं अपने टैलेंट से रस्ते की किसी भी लड़की को स्टार बना सकता हूं। कल से मेरी फिल्म की हीरोइन तुम। देखिए बिगनिंग में जो आपका मूड है वो एकदम करेक्ट है। इसमें आप जो हैं वो लास्ट की जो लाइन है किल देम, आप उसके अंदर वो जगह रहे, हिम्मत जगा रहे, किल देम, किल देम। ओके, यू कैन यूज योर बॉडी लैंग्वेज, यू कैन यूज योर हैंड्स, यू कैन या मैडम शॉट रेडी है। 5 मिनट हां। ओके, जैसे वो उसके साथ जाएगा हमारा टू शॉट बनेगा ना। हाँ। टू शॉट बनेगा हमारा। ओके सर, नेक्स्ट हमारा क्लोज जाएगा। ओके सर। मैडम आइए। देखो अंजलि, जैसे मैंने तुम्हें कहानी बताई थी, इन पास 3 लड़कों ने तुम्हें रेप किया है, उनके चेहरे तुम्हारे दिमाग में बसे हुए हैं, तुम्हारी निगाहें उनको तलाश रही हैं बदला लेने के लिए। इन्हीं हालात में दुष्यन आता है, वो तुम्हारा सहारा बनता है। ये सीन तो ये मुझे पूरी इंटेंसिटी के साथ चाहिए। ओके, आप लोग एक रिहर्सल करो। लफड़ और चाहिए। चल यार चल, कैसे होगा इतने में? ले 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 ले। हाँ ये ठीक है, जरा ऊपर। चलो एवरीबॉडी इज रेडी, मेकअप हटो हटो। हो गया। अच्छा दुष्यन पीछे जाओ। और या दिस इज योर मार्क। ओके सर। अंजलि आर यू रेडी? जी सर। मूड अंजलि मूड। ओके पीछे 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 पीछे। क्या कर रहा है यार? साइलेंस, फील्ड क्लियर करो, चलो कम ऑन। देखता हूं। चलो क्लैप स्टार्ट, साउंड रोलिंग। 25x2 टेक 1 एक्शन। जिन्होंने तुम्हारी असमत लूटी है तुम उनकी जिंदगी लूट लो। जस्ट फिनिश देम, उनको तबाह कर दो, उनको मिटा दो। कट इट। ओके शनैश्चराय नमः। राम राम साहब। कैसे हो सुखिया? बस ठीक हूँ साहब। भाई जी अंदर है? जी। शनि भारी है आज, जरा संभल के कदम रखना। जी सर। जी सर। बड़े आए पोंगा पंडित। मेरे ग्रहों का योग कभी गलत नहीं हो सकता। भाई जी, निशा के 36 गुणों में से राहुल के 10 गुण मुश्किल से मिलते हैं। उसका पति कला क्षेत्र से हो ही नहीं सकता। खुल के बात करो विशंबर। तो खुल के सुनिए,
निशा के विवाह का योग किसी मिलिट्री अफसर या पायलट से बनेगा जो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ेगा। यू झूठ। मैं नहीं मानती कुंडली मुंडली, इट्स ऑल नॉनसेंस। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं भी कहा मानता हूँ, ये तो विशंबर की जिद है, तो यानी कि ऐसे okay, ही। मैं शूट पे जा रही हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। ओके बाय मॉम। तुम्हें तो पता है विशंबर कि निशा और राहुल एक दूसरे को कितना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को कितना भी चाहे लेकिन निशा के जीवन में राहुल नहीं है। यूं 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 यूं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे ग्रहों का योग कभी गलत नहीं होता। मिस्टर राहुल, जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन, वुड यू प्लीज कंफर्म अस दैट यू हैव रिप्लेस्ड योर हीरोइन निशा लाल? या, शी इज नो मोर वर्किंग इन माय फिल्म इंतकाम। ओके। मैंने फिल्म की हीरोइन को बदल दिया है, ये बात सच है। रीजन? लेट्स नॉट डिस्कस इट। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माई प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। ओ यार, डायरेक्टर ने हीरोइन बदल देती है तो आदेश मैं क्या करूं यार? ओ यार, मैं पैसे नहीं दे रहे। ओ यार, मेरी गल मन, तूने 25 लाख रुपए अकाउंट इच पा? तो पहले दा हिसाबता दे, बाद च देखेंगे गल नु। केड़ी गल बाद च देखेंगे यार? हां हां, मेरा नया पोस्टर आया है। हेलो हेलो, ऐसे ला यार एनु। जी सर, ठीक है। हेलो बोल। हां देख, मेरी गल सुन। हूं यार तू अकाउंट इच 25 लाख रुपए पा। ओए हिसाबता कर। ओ यार, हिसाब बाद च कर लांगे। अरे यार, तू पैसे की टेंशन ना ले, फिल्म तो हिट होनी है। I'm sorry, राहुल, उस वक्त मैं गुस्से में थी, न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मैंने तुम्हारा गुस्सा तब तक बर्दाश्त किया जब तक उसमें एक मोहब्बत थी, एक मासूमियत थी, लेकिन जब उसमें एक औरत का ईगो आया तो जाहिर है एक मर्द के आत्मसम्मान को चोट पहुंची। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज राहुल प्लीज। अरे मैं तो अपनी मोहब्बत की खातिर तुम्हारे पैरों पे गिरा था, रोया था मैं, गिड़गिड़ाया था मैं, याद है तुम्हें? क्या एक औरत का ईगो आने से पहले उसे मर्द की मोहब्बत का एहसास नहीं होता? हाँ? I'm sorry, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सैकड़ों फोन कॉल्स किए, तुमने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो, राइट? और जब मैंने तुम्हें अपनी शूटिंग की डेट्स के बारे में फोन किया तो तुमने मुझे अपनी सेक्रेटरी से बात करने को कहा, मुझे राहुल को? नॉट अलाउड निशा, एट लीस्ट विद राहुल इज नॉट अलाउड। मेरी मोहब्बत मेरे आत्मसम्मान से बड़ी नहीं है। आई एम सॉरी निशा, मैं खूबसूरती से प्यार करता हूं लेकिन खूबसूरती का गुलाम नहीं। मैं समझ गया सर। ओके अमित, ओके। और अब जो ढोलक है उसको जरा और बढ़ा दीजिए, और फ्लूट को आप शार्प। ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, एक काम करिए, ढोलक को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। फ्लूट फ्लूट जो है मुझे शार्प चाहिए। हाँ ठीक है, इट शुड बी, इट शुड बी वेरी शार्प। जल्दी कर, एक्सक्यूज मी प्लीज, आप बाहर जाइए, जब रेडी होगा मैं आपको बुलाऊंगा, प्लीज। अच्छा गाना बन रहा है ना अमित, एक बार साइन का म्यूजिक फिर से सुनते हैं। ठीक है सर। हाँ आप लोग एक बार साइन का फिलर सुनाइए, फिर ठीक करते हैं। ओके सर। साइलेंस प्लीज। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए। वाह वाह, क्या बात है, संगीत कैसा चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है। हाय हेलो, तुम बैठो, काम करो। जी, ये हमारी फिल्म की नई हीरोइन है, इनसे मिलिए। ओह oh.
ये मेरा कार्ड है। अरे सोच क्या रही हो, ले लो। ही इज अ बिग फाइनेंसर और डैड के अच्छे दोस्त भी हैं। वन सेकंड में। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए और हमारा गाना सुन के जाइए और बताइए प्लीज हमारा गाना कैसा है। नहीं आज नहीं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। घर में ही सुन लेंगे ना। दुष्यंत तुम सीधी अपने साथ ले आना जी। ठीक है जी, चलो काम करो अपना। ओके। टेकिंग। हेलो पुत्र, तुसी सारे ठीक हो ना? जी बाऊजी। बाऊजी हेलो। अरे दरवाजा खोल, पुलिस वाले हैं। हाँ जी सब ठीक है ना? क्यों है साहब जी? सारे दरवाजे बंद रखो। छत पे जाने का रास्ता किधर से है? चलो बताओ। आइए चलो। आतंकवादियों के लिए काम करता है तू? हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, आतंकवादी? मैं डॉक्टर हूँ सर। डॉक्टर? कोई नहीं आएगा। अबे ओए, वो तो कुदिया में लूट रहा है, वो तो पुलिस वाला हो क्या? हमारे घर में चोरी कर रहा है। डैडी, डैडी।
अरे अंजलि, तुम रिकॉर्डिंग से बिना बताए यहाँ चली आई? वेर इज योर फोन? मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहा था, एंड योर फोन इज ऑन स्विच ऑफ मोड. अंजलि, अंजलि, व्हाट हैपेंड? अंजलि तुम रो रही हो? प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज. तुम्हें घर की याद आ रही है? राइट. श्रीवास्तव. यस सर. शूटिंग कैंसिल कर दो और कल सुबह दिल्ली के लिए जो पहली फ्लाइट है उसमें हम दोनों की टिकट्स करो. लेकिन शूटिंग हम बाद में कर लेंगे. ठीक है सर. या नहीं राहुल. कम ऑन, रिलैक्स. अब तो तुम घर जा रही हो ना, यू शुड बी हैप्पी. अंजलि, याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम दिल्ली में रहती हो? याद है उसी वक्त मैंने प्लान किया था कि मैं दिल्ली घूमूंगा और वो भी तुम्हारे साथ. घुमाओगी मुझे? देखो अंजलि, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता. सो प्लीज. मैं ठीक हूँ राहुल, हम लोग शूटिंग पूरी करके ही घर लौटेंगे. ओके, लेकिन एक शर्त पर. ये रोना धोना बंद. एंड नाउ गिव मी अ गुड स्माइल. ये दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. श्रीवास्तव जी, कल की शूटिंग कंफर्म. ओके 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 सर. नाउ गिव मी अ गुड क्लोज अप स्माइल. ये दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. कट 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 कट. मास्टर जो, मजा नहीं आ रहा है, मुझे इंपैक्ट चाहिए. सर आएगा इंपैक्ट. वो क्या है, मैडम को जैसा मैंने चलाने बताया वैसा चला ही नहीं. हो जाएगा सर. ये तुम लोग रिहर्सल करा यार. अजय फाइल दिखाओ. अच्छा प्रोड्यूसर साहब, चेक कब क्लियर कर रहे हैं आप? ओके सर. चेक दी की परवाह है यार? ओ यार तेरी, हम अभी फिलहाल करेंगे. टी शर्ट कमाल है, ब्लैक ब्लैक कमाल लग रही है. छोड़ो चेक की बात करो, चेक कब क्लियर कर रहे हो? एक्सक्यूज मी. अरे धीर, की हो गया? क्या कर रहे हो यार? इसको डायलॉग याद करने दोगे या नहीं? फिल्म तुम्हें रिलीज करनी है कि नहीं करनी? हाँ यार. अरे स्पॉट, चाय पिलाओ इन्हें. अच्छा सुनो, ये डायलॉग है, ये अच्छे से आपको परफॉर्म करना है. मैडम एकदम मूड में, ये फायर है, धाम तार तार, समझ गए आप? फयाज, वो मैडम ने जैसा फायर किया ना, डम रिएक्शन लेके गिरना, समझ गया ना तू? जरा स्प्रे मार इसको बराबर, बाल थोड़ा इसे ऊपर कर ले. हाँ रेडी. साइलेंस, स्टार्ट साउंड. Rolling. 29x8 take 3. Action. गायत्री, तुम्हें उस काली रात की यादों को मिटाना है जो तुम्हें जीने नहीं देती है. नहीं नहीं, मार दो इसको गायत्री. Just finish him, kill him. मुझे मत मारो. मैं कहता हूँ मार दो इसको. Just kill him. मुझे माफ कर दो. Kill him गायत्री, वरना तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगी. गायत्री kill him. उन यादों को मिटाना है गायत्री तुम्हें. I said shoot him गायत्री. Shoot him. नहीं, shoot. Got it. What a shot. Brilliant. Very good shot. Very good Fayaz. चल ड्रेस चेंज कर ले. Thank you. It was great. Wonderful. It was so good. Amazing. Yeah, amazing, amazing. अंजलि, जिस इंटेंसिटी के साथ आज तुमने शूटिंग में गोली चलाई, एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अपने ही किसी दुश्मन को गोली मार रही हो. मेरा मतलब है कि यू एक्ट लाइक एन सीनियर एक्ट्रेस. आई लाइक, ऑफ कोर्स आई लाइक योर एक्टिंग, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी पहली फिल्म है. तुमने जरूर कॉलेज में थिएटर किया होगा, am I right? जी हाँ, काफी एक्टिंग की है मैंने अपनी जिंदगी में. अंजलि, एक्चुअली ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, रियली आई कांट बिलीव इट. जैसे तुम मुझे अचानक से मिली, मैंने तुम्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया और आज अचानक मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ. लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी, ना कि किसी एहसान के बदले में. बात क्या है? विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? थैंक यू वेरी मच. सुंदर, बहुत सुंदर. विशंबर, जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त निकालो ना. भाई मेरी माँ तो धार्मिक है, इनका पूरा दिन पूजा पाठ में और भगवान के ध्यान में जाता है. बट शी इज माई स्वीट मॉम. तो क्या करूँ, भगवान के सिवाय इस घर में मेरे साथ रहता ही कौन है? बेटा बाहर, पति बाहर, एक उन्हीं का तो सहारा है. भांजे. बोलो मामा जी. पानी से जरा दूर रहना. क्यों भाई? नहीं तो यू. पानी से दूर रहूंगा तो प्यासा मर जाऊंगा मेरे भाई.
मेरा मतलब है कि मेरे डैडी किधर? राहुल डैडी अंजलि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था डॉक्टर अंजलि पहुंचो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों भाई राहुल तुम्हारी पसंद मुझे बेहद पसंद है थैंक यू डैडी हाँ भाई विशंबर जी तुम्हारी कुंडली क्या कहती है कैसा रहेगा इनका जोड़ा यू किसी ने सच कहा है मैरिजेस आर मेड इन हेवन जोड़े आसमान से बनकर आते हैं या इट्स ट्रू अब मैं भी इस पर यकीन करता हूं आई मीन इट और थैंक गॉड कि मेरे मम्मी डैडी को इस शादी से कोई एतराज नहीं दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट हाँ मामा जी के हिसाब से हमारी शादी की कुंडली 3 महीने के बाद निकली है दैट्स ओके तब तक हम शूटिंग कंप्लीट कर लेते हैं और शादी के बाद अगर तुम काम करना चाहोगी तो मुझे कोई एतराज नहीं यू कैन डू इट बस सिर्फ टेंशन एक ही बात की है कि हमारी हाइट में डिफरेंस है अंजलि तुम खुश तो हो ना आर यू हैप्पी अंजलि बहुत खुश हूँ राहुल ओ सच में खुश हूँ तुम बहुत खुश हो रियली मैं भी बहुत खुश हूँ आई लव यू लव यू अंजलि अंजलि कहाँ जा रही हो अंजलि जस्ट वेट 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 अंजलि अंजलि लिसन प्लीज डोंट गो अरे पानी में मत जाओ अंजलि कहाँ जा रही हो रुक जाओ प्लीज अंजलि प्लीज मैं पानी में नहीं आ सकता अंजलि आगे मत जाओ प्लीज अंजलि वापस आ जाओ डूब जाओगी अंजलि क्या कर रही हो ये I love you too, but please, चलो यहाँ से बात करो, please. अंजलि, अंजलि क्या कर रही हो? अंजलि चलो, और आप दूर जाएंगे. अंजलि क्या बचपना है? अंजलि, अंजलि चलो. अंजलि क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि. मुझे माफ कर देना Oh, my God.
राहुल मुझे छोड़ के चला गया। राहुल काशीनाथ। राहुल एक जिंदा दिल लड़का था, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। और एक्सीडेंट का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। उसकी कुंडली के मुताबिक पानी से उसकी जिंदगी को खतरा था और वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था। उसकी हत्या हुई है। आपको किसी पर शक है? अपोजिशन, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए यह सब अपोजिशन की एक चाल है ताकि मैं अपने जवान बेटे की मौत के गम में डूब जाऊं और राजनीति से संन्यास ले लूं। यह राजनीति भी बड़ी अजीब चीज होती है सर। राज करने के लिए कभी आप किसी का खून बहा देते हैं तो कभी कोई आपका खून बहा देता है। क्या मतलब? अपनी पार्टी का मेयर बनाने के लिए आपने चटर्जी को मरवा दिया और बदले में उन्होंने आपके बेटे को मरवा दिया, है ना? बकवास मत कर। नंदू का एनकाउंटर मैंने ही किया था सर। हालांकि मरने से पहले उसने मुझे आपका नाम बताया, लेकिन आपका नाम जानकर भी मैं क्या कर लेता। राजनीति का शिकार होकर सस्पेंड हो जाता या फिर ट्रांसफर। कम से कम नंदू जैसे लोगों को मारकर समाज की कुछ गंदगी तो साफ हुई, पर क्या वाकई समाज की गंदगी नंदू जैसे लोग हैं या फिर आप और आपकी राजनीति? लगता है अपोजिशन के यहां सलामी ठोक के आया है। एसीपी अजीत मुंडे सलामी ठोक कर राजनीति नहीं करता, सीना ठोक कर ड्यूटी करता है। ड्यूटी। अगर राहुल की हत्या हुई है तो हत्यारा भी मिल जाएगा। ब्लडी पॉलिटिक्स। तो तुमसे मोहब्बत करता था, प्यार करता था मैं तुमसे, और तुमने मुझे ही मार डाला। क्या कसूर था मेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बताओ। पूछो अपने बाप से, पूछो अपने बाप से कि मेरे 5 साल के मासूम भाई विक्की ने उसका क्या बिगाड़ा था। जो आज जिंदा होता तुम्हारी ही उम्र का होता। मेरे बाबूजी, मेरी माँ ने उसका क्या बिगाड़ा था? पूछो अपने बाप से। 7 साल की मासूम बच्ची जो स्कूल जा रही थी उसे अनाथ बना दिया। पूछ अपने बाप से उसे धंधे वाली बना दिया क्यों? जोर बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम। मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी है, एक समाज सेवक है। तुम्हारा बाप एक खूनी दरिंदा है। शट अप। तुम्हारा बाप मेरे परिवार का कातिल है। अब से शट अप। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूं।
भगवान आपको सब्र दे। आपके पास उनके डैडी का फोन नंबर है? जी। राहुल, राहुल, बस कीजिए जीजा जी, बस कीजिए। मेरा बच्चा राहुल, बहुत हो गया, जीजा जी, संभालिए अपने आप को, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे आपको संभालिए, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ यहाँ से, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, चलो जी। राहुल, राहुल, जी मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि, अंजलि, मेरा राहुल डूब गया, मेरा राहुल डूब गया। जी आप इस तरह मत रोइए, बंद करिए ये रोना। आप इस तरह रोएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा राहुल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल मेरे घर आ जाना। जी मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ। अकेले में? जी मैं आपके साथ अपना गम बांटना चाहती हूँ। अंजलि, ठीक है, कल इसी नंबर पर मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हेलो जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि? राहुल की फ्रेंड। ओह हाँ, बोलो अंजलि, यानी कि मुझे कैसे याद किया? क्या ये बताना जरूरी है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद आपको क्यों याद कर रही है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो ठीक है, मेरे जीसीसी क्लब में आ जाओ, वहीं मिल लेते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। कहाँ हैं आप? जरा नजर तो घुमाइए। आइए, खुशामदीद। जी अपना मोबाइल। थैंक्स। हाथ पैर भी चला लेते हैं आप पुलिस वालों की तरह। तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश थी। आई एम इंप्रेस्ड। सच? जी। बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे अकेले में मिलने की, लेकिन किस्मत इतनी जल्दी मेहरबान होगी ऐसा सोचा नहीं था। अंजलि भी आप पे मेहरबान हो सकती है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अंजलि, कुछ भी। जीजी। हाँ बोलो। जीजा जी कहाँ हैं? मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। पूना गए हैं, शाम को आएंगे। पूना? पर आज तो उनकी यात्रा का कोई योग ही नहीं है, वो पूना कैसे जा सकते हैं? अब मुझे क्या पता। ना, मेरे ग्रहों का योग कभी गलत नहीं हो सकता।
यूं यूं पूना तो वो जा ही नहीं सकते। यूं 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 राहुल ने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, सड़क से उठाकर यहां तक पहुंचा दिया, और जब साथ साथ जीने का वक्त आया तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। कैसे कटेगी ये पहाड़ से जिंदगी उसके बिना? बहुत याद आती है उसकी। याद तो मुझे भी बहुत आती है अंजलि, लेकिन क्या करें, हम सब उसकी अमानत हैं और एक ना एक दिन हमें उसके पास वापस चले जाना है। अपने आप को संभाल, अपने आप को संभालो अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, क्या करूंगी मैं, कहां जाऊंगी मैं? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हें राहुल ने दिया था, ये तुम्हारा ही रहेगा, समझ गई? लेकिन अब यहाँ का अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। तुम अकेली कहाँ हो अंजलि, हम सब है ना तुम्हारे साथ? सब नहीं, क्या आप हैं मेरे साथ? मैं जब जबानी लड़खड़ा रही है तो आप साथ क्या खाक निभाएंगे? ऐसी बात नहीं अंजलि। ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप वादा कीजिए, वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए कि आप राहुल बनकर मेरा सहारा बनेंगे, वादा कीजिए, वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए। मैं वादा करता हूं। थैंक यू। चलिए आइए। ड्रेस अच्छी है तुम्हारी। आपकी अभी उम्र इतनी खास तो कुछ हुई नहीं, फिर ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है आपने? पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं। बेफिक्र होकर यहाँ रहो, तुम्हारे सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। जी, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू। मीम साहब, अरे पहचाना, अपुन सलीम, डॉली का फ्रेंड। क्या बात है बाबा, गाड़ी बीड़ी सब कुछ बना लिया। नंदू के जाने का बहुत अफसोस हुआ। सलीम, मुझे एक गन चाहिए। गन? गन काहे को? डॉक्टर, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। पन क्या है मीम साहब, अपन लोग इधर से नहीं इधर से सोचते हैं। ये क्या है, साला खाली है अपन लोग का। इसके लिए तेरे को जो इधर सही लगता है ना, वो ही सही है। तू नंबर लिख, 9324281043। थापा मिलेगा इस नंबर पे, तेरा काम हो जाएगा।
थापा। पैसे लाई हो? लोडेड है। अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम नहीं बताओगी। और अगर तुम पकड़े गए तो? क्या किया? दाढ़ी क्यों कटा ली? कटा ली? हाँ। कटाने ली, कटते कटते कट गई। साला जाम की औलाद, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया होता ना तो साले को जिंदा जमीन में गाड़ देता। अब जरा जल्दी से खाना लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दिमाग अब खराब हो जाए। जी लगाती हूँ। शाबाश काशीनाथ। काशीनाथ सिंह, नई दिल्ली का एक सोशल वर्कर। जयंत लाल, निवासी कल्याणपुरी। 1984 के दंगों में पुलिस के बेस में लूटपाट की। लाल जी। हाँ बोल काशी। यार वो अंजलि है ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ वो तो है, पर तुझे क्या करना है? तू इतना क्यों खुश हो रहा है? अबे वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा? तू पागल हो गया काशी, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। भाई पागल मैं नहीं, तू हो गया है। यानी कि मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा। आज हो जाएगा। अरे अरे अरे, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अब बहुत हो चुका डांस, अब चलो हम बेडरूम में चलते हैं। प्लीज चलो। देर और, मेरी हुस्न का नशा तो चढ़ने दीजिए। आइए ना, मैं आपकी बाहों में लुटने के लिए तड़प रही हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ अंजलि। अच्छा? कहाँ भाग रही हो अंजलि? प्लीज अंजलि दौड़ाओ मत, दौड़ाओ मत मुझे प्लीज अंजलि। मेरी जान, मेरी बाहों में आ जाओ। देखो देखो ऐसे मत करो अंजलि प्लीज। आइए पकड़िए ना मुझे। वहाँ नहीं, बेडरूम में चलो अंजलि प्लीज। प्लीज अंजलि प्लीज, ऐसे मत करो अंजलि प्लीज। कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? अंजलि जानू प्लीज, जानू ऐसे मत करो। ले लीजिए अंजलि, ऐसे मत करो अंजलि। देखो देखो देखो, बस आप मत करो अंजलि प्लीज, अंजलि प्लीज।
फिर साली जल्दी दे। ले 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 ना ले ले इंस्पेक्टर ले। सन 84 से ढूंढ रही हूं तुझे। उस एक रात में तुझ जैसे जानवरों ने ना जाने कितनों के घर उजाड़ दिए, कितनों को अनाथ कर दिया। मैं भी उन बदनसीबों में से एक लड़की हूं जिसे तुझ जैसे लोगों ने कोठे पर लाकर बिठा दिया। बेटे तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम कब चलेंगे? डैडी आ गए अंकल। निशा बेटे डैडी दिल्ली गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। फिर तो मैं यही रहूंगी। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक डैडी नहीं आ जाते। इसका ख्याल रखना। यस सर, मनीषा से मिलने के बाद आपको बताता हूं। राइट सर। हेलो। हाँ, कुछ पता चला? छानबीन चल रही है। तुम लोग छानते बहुत हो और बीनते कुछ भी नहीं। पहले मेरा बेटा राहुल चला गया और अब मेरा दोस्त। अब आप होशियार रहिएगा। क्या मतलब समझू मैं इसका? यही कि राहुल और आपके दोस्त से आपकी कड़ी भी जुड़ती है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम अपना काम देखो, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। कोई कुछ भी कहे जीजाजी, आप तो जानते ही हैं मेरे ग्रहों का योग कभी गलत नहीं होता। आपकी आयु 90 वर्ष की है। दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, आप चिंता मत कीजिए, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। यूं यूं। मुझे तुम्हारे इन ग्रहों के योग पर विश्वास है ऋषभ। हेलो ऑफिसर। आपको कैसे मालूम मैं पुलिस ऑफिसर हूं? शायद वो गाड़ी आप ही की है। हाँ, सरकार की है। गुड बाय। सात आठ महीने पहले एक एनकाउंटर किया था हम लोगों ने दीवान सेंट्रल। जी सर, नंदू दिखे का। उस वक्त एक लड़की थी उसके साथ। सर पता करो आजकल वो कहाँ है। मैं तुम्हारे पास यहाँ बार बार नहीं आ सकता। ये जगह विश्वंबर ने देखी है, वो कभी भी यहाँ आ सकता है।
तो क्या हमेशा मुझे यूं ही छुप छुप के मिलना पड़ेगा? कुछ ही दिनों की बात है, इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद जो तुम चाहोगी सब कुछ वैसा ही होगा। ये मेरा एटीएम कार्ड है, पिन नंबर पीछे लिखा हुआ है, जब भी जितने रुपयों की जरूरत हो तुम इससे निकाल सकती हो। आप ना होते तो मेरा क्या होता? मैं सोचता हूं कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। आज की रात मैं भी हूं और तुम भी हो जाने दो जो होना है, हैं? मैंने और ममता भाई ने दिल्ली के सिरियाना थाने से उस लड़की को गोद लिया था साहब। साहब उसका पूरा परिवार सन 1984 के दंगे में खत्म हो गया था साहब। तब से वो लड़की अपने ही साथ थी साहब। अभी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, कसम से। पन साहब अपन ने उसको कभी कोई तकलीफ नहीं दिया साहब, अपन उसको बेटी की तरह पाला पोसा। जो पाल पोस कर बड़ा करता है वो बाप होता है, भड़वा नहीं। बयान नोट करो इसका। यस सर। चलो इधर आओ, देखो जो कुछ तुमने समाज को बताया वही तुम्हें दोबारा बताना है, ठीक है? चलो। 1984 अजीत मुंडे। हट। हेलो जी, मैं एसीपी अजीत मुंडे बोल रहा हूँ, काशी बाबा से बात करें प्लीज। जी वो तो पूना गए हैं। पूना में कहाँ? ये तो मुझे मालूम नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। कौन? जी मैं। अरे ये क्या हलिया बना रखा है, रूप बदल के आई हो? हटाओ इसे, अच्छा नहीं लग रहा है। आपने भी तो कई सालों तक दाढ़ी रख के अपना रूप बदला था। क्या मतलब? बुरा मान गए? अरे जनाब, एक जवान खूबसूरत लड़की अपने आशिक से मिलने आधी रात आई है। दुनिया की बुरी नजरों से बचने के लिए उसे अपना रूप तो बदलना ही पड़ेगा ना। बस अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बस थोड़ी सी मोहलत और दे दें, एक औरत का श्रृंगार तो कर लूं। बस अभी आई। अच्छा जल्दी आना। Mm-hmm.
अरे मुझे गिरा दिया अंजलि। अरे कहाँ गई है तू? थे अंजलि। अरे लाइट बंद कर दो। अच्छा शर्म आ रही होगी। मुझसे शर्म? हंसो और हंसो काशीनाथ। तुम्हारी इसी हंसी को तो मैं 24 सालों से अपनी यादों में ढो रही हूं। कौन हो तुम? सात साल की एक मजलूम लड़की जिसके पूरे परिवार को तुमने उसकी आंखों के सामने बेरहमी से खत्म कर दिया। संचौरासी के दंगों में हमारी हिफाजत करने के बदले तुमने हमें ही मार डाला। लूट लिया हमारा घर, छीन लिए हमारे माँ बाप, एक प्यारा सा छोटा सा भाई, उस मासूम जान को भी पैरों तले कुचल दिया। जहन्नम बन गई जिंदगी उस दिन से आज तक। लेकिन तकदीर ने मुझे जिंदा छोड़कर तेरा अंत निश्चित कर दिया है काशीनाथ। रामजादी, तू मेरा अंत करेगी तू? हाँ, जैसे मैंने तेरे दोस्त लालजी और तेरे बेटे को मार दिया। तूने मेरे बेटे को मारा, तूने! आपकी सुरक्षा व्यवस्था बड़े बड़े खोखले वादे। हम बहुत जल्द हथियार को पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, किसी ना किसी को तो आप सूली पर लटका ही देंगे। सैड, वेरी सैड। आप लोगों का एटीट्यूड, जनता भरोसा करती है आपकी खबरों पर, उसे गुमराह करना बंद करिए प्लीज। थैंक यू। आज मैंने अपना बदला ले लिया है, खत्म कर दिया है अपनी उन यादों को जो मुझे जीने नहीं देती थी। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगी। सरदार के अलावा बंगले में और कोई नहीं था। Come on!
तुमसे प्यार करता था और तुमने मुझे ही मार डाला। जाओ 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 कौशली, जाओ जाओ कौशली, जाओ 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 मार डाला मुझे। अंजलि, दरवाजा खोलो अंजलि, दरवाजा खोलो अंजलि, अपने आप को कानून के हवाले कर दो अंजलि। हमें पता चल चुका है कि राहुल लालजी और काशी बाबा का खून तुम्हीं ने किया है। हाँ हाँ, मैंने ही उनका खून किया है। मैंने ही सबका खून अंजलि किया है। और तुम्हें भी मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। रुक जाओ ऑफिसर, सबको मारना चाहती हो तुम, क्यों? ओके, शूट शूट, कम ऑन शूट, सबको मार दोगी तुम, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि सबको मार देने से तुम्हारे मां बाप जिंदा हो जाएंगे वापस। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा था, भूल जाओ उसे। अपनी यादों को मिटाने के लिए तुमने जितने भी लोगों को मारा है, अब उनकी यादें तुम्हारा पीछा करेंगी, क्योंकि यादें कभी नहीं मरती। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कम से कम सजा होगी। लाओ ये रिवॉल्वर मुझे दे दो, लाओ, कम ऑन, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो, लाओ। देखो अंजलि, मैं मानता हूं जो भी हुआ है कुछ बुरा था उसमें, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी तो था जो बहुत सुंदर था। उन सारी खूबसूरत यादों के सहारे भी तो जीवन जिया जा सकता है, है ना? विक्की, रुक जा विक्की, मैं कहती हूँ रुक जा। ओए किथे भाग रहे हो तुम लोग? खेती सो जाओ, सवेरे स्कूल नहीं जाना। अच्छा जी, तुसी संडे को भी स्कूल जाते थे? की मतलब? डैडी जी कल संडे। ओए तेरी, कल संडे है? मुझे तो पता ही नहीं था। यादें कभी नहीं मरती। दिल्ली, गुजरात या मुंबई, दंगे जहां भी हुए, हजारों लाखों लोग मारे गए, और जो बच गए वो आज तक उन यादों के साथ मर रहे हैं, क्योंकि यादें कभी नहीं मरती। मेमोरीज नेवर डाई। कल को भूलकर आज को जीना ही जीवन है। स्टॉप वायलेंस।